भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS TV। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की सुपर फास्ट खबरें। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में आदिवासी आश्रम स्कूल की 109 छात्रों की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। स्कूल की छात्रों ने दोपहर में भोजन किया, इसके बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उल्टियां होने लगी। फूड पॉइजनिंग की आशंका के चलते सभी छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। अब सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले टेंशन बढ़ाने लगे हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के नए 11 मामले दर्ज हुए, जिससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53 तक पहुंच गई है। राजधानी मुंबई के कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 27 हो गई है, जबकि ठाणे और पालघर में भी एक्टिव मरीजों की संख्या 10-10 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने गुरुवार को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफ्रीका के आइवर कोस्ट की एक महिला के पास से कथित तौर पर 13 करोड़ रुपए अनुमानित मूल्य की 1 किलो 273 ग्राम कोकीन बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 31 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी को फोन कर उसकी आवाज सुनने की इच्छा जताने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि डोंगवली के रहने वाले सुधाकर यादव और उनकी पत्नी संजना यादव उम्र 31 का 19 दिसंबर को झगड़ा हुआ था। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को मनोज जारंगे पाटिल की दी गई समय सीमा 24 दिसंबर को समाप्त हो रही है। 24 दिसंबर के बाद जारंगे पाटिल ने मुंबई के विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी है। भारत के सुरक्षा बलों ने केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के आतंकियों पर लगाम लगा दिया है, मगर फिर पंजाब के राजौली पूंछ इलाके में भी मुसीबत बनी है। गुरुवार को पूंछ के 4 जवान आतंकियों के हमले में शहीद हो गए। इस इलाके में पिछले 2 साल के दौरान 34 जवान शहीद हो चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए विदर्भ क्षेत्र के विकास पर जोर देने की बात कही। उन्हें यहां पर चल रहे कई अहम प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जिसमें वैनगंगा नालगंगा रिवर लिंक प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसका लक्ष्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी पहुंचाना है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार को लेकर उसकी बहन हसीना पार्कर के बेटे अलीशा पार्कर ने अहम खुलासा किया है। अलीशा पार्कर ने NIA को बताया कि दाऊद को 2 पत्नियां हैं और उसके पाकिस्तानी पठान महिला से दूसरी शादी की है। अलीशा के इस खुलासे के बाद एक बार फिर दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार सुर्खियों में है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक के बाद अब सीधे सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होने वाला है, लेकिन उससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा तकरीबन पूरी हो गई, अब जल्द आंकड़ा भी सामने आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर इशारों में निशाना भी साधा है। नागपुर जिले में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार मुश्किल में हैं। नागपुर जिला सरकारी बैंक NDCC घोटाले में मुख्य आरोपी केदार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।